नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर के चर्चा कर रहे थे और ये जो मैटर है ये सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, चाहे से वो कक्षा 11 में है, 12 में है, चाहे से वो रेट की तैयारी कर रहा है बच्चा, और लैब असिस्टेंट के लिए मुख्य रूप से है ही है, और पीजी क्लासेज में भी ये काम आता है मैटर। इस प्रकार का यानी कि बहुउद्देश्यीय मैटर है ये, और सब बच्चों के जिसके ज्योग्राफी विषय है और जिसको जीके की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी ये काफ़ी आपको यूजफुल रहती है ये क्लासें। और विशेषकर लैब असिस्टेंट का हम जो सिलेबस करवा रहे हैं उसी को लेकर के बात कर रहे थे। इससे पहले अपना एक टॉपिक हो गया था और आज हम मुख्य रूप से दूसरा जो टॉपिक फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट में जो दूसरा जो पॉइंट है भूगोल की शाखाएं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और ये पहले बता दिया गया था कि इस टॉपिक से एक पर्सन आपके लैब असिस्टेंट में आया हुआ है, जो कि कल वाला जो वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपको बता दिया गया था कि किस प्रकार से पर्सन यहाँ से बनता है, और जो बना वो आप लोगों को मैंने बताया। तो उसी प्रकार से आप प्रश्नों को आप थोड़ा सा देखते रहें, ध्यान रखिए और उसके अनुसार आप अपना अध्ययन करते चले जाएं ताकि आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। आज का जो अपना मुख्य जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भूगोल की शाखाओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भूगोल को कैसे पढ़ा जाए और इसमें कौन कौन से उपागम है, अप्रोच कौन कौन सी है, किस अप्रोच के आधार पर इस विषय को पढ़ा जाता है विशेष करके, तो उस पर अपनी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अप्रोच आप किसी भी विषय में आप लगाते हैं तो उसमें आपको देखा जाता है कि किस आधार पर आप उस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो वही यहाँ अप्रोच की बात हो रही है, यहाँ उपागम की बात हो रही है। तो एक आपको मैं क्लियर लाइन से बता देता हूँ कि देखिए लिखा हुआ कि प्रत्येक विषय का अध्ययन एक कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है, यानी कि कोई भी विषय अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें कोई ना कोई अप्रोच होती है, उस अप्रोच के आधार पर आप उस विषय का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम यहाँ भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो हम भूगोल की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं, इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम हैं, दो उपागम हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो एक है विषय वस्तुगत, विषय वस्तुगत उपागम, या किसी को ही क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं, विषय वस्तुगत उपागम या इसी को ही क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। और यह विषय वस्तुगत उपागम विश्व स्तर का होता है और विश्व में कोई तथ्य होता है, फिर हम उसकी तरफ बात कर लेते हैं। जैसा कि इसमें कहा कि इस उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। क्या कह दिया गया है कि ये जो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध जो उपागम है इसमें क्या होता है, हम इसमें किस प्रकार से स्टडी करते हैं उस विषय की, तो इस उपागम में एक तथ्य का यानी कोई एक तथ्य है का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो जैसे उदाहरण लिखा वन या वनस्पति, तो पूरे विश्व स्तर पर वनों या वनस्पति के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में उसके क्षेत्र बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार से हम उस एक तथ्य को लेकर के विश्व स्तर पर उसकी चर्चा करते हैं। तो ये कौन सा उपागम हो गया, विषय वस्तुगत किसी विषय को लेकर के या क्रमबद्ध उपागम, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो इस उपागम के बारे में हम बात कर लेते हैं, पूछ लिया जाए कि विषय वस्तुगत उपागम का विकास किसने किया, विषय वस्तुगत उपागम या क्रमबद्ध उपागम का विकास या प्रवर्तक कौन है, तो वो है जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसके प्रवर्तक हैं, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो उपागम है वो है प्रादेशिक उपागम की हम बात कर रहे थे, तो प्रादेशिक उपागम इसमें क्या होता है कि इसमें विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में बांटा जाता है, यानी कि विश्व को किसी भी हम बात को हम किसी भी भौगोलिक तथ्य का जब अध्ययन करेंगे तो विश्व को पदानुक्रम या एक क्रम के अनुसार प्रदेशों में पहले विभाजित करेंगे, फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पूरे विश्व को प्रदेश में बांट करके उसमें जो भी जितने भी भौगोलिक तथ्य होते हैं उनका फिर हम अध्ययन करते हैं। ये कौन सा उपागम है, प्रादेशिक उपागम है, ये ध्यान आपको रखना है। तो इस उपागम का विकास किसने किया,
कौन से का? प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? तो यहां आपको ध्यान देना है, जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रीटर। कौन? जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रीटर। ये दोनों ही लगभग एक ही समय के हैं, समकालीन कह सकते हैं इनको। अब बात कर लेते हैं भूगोल की मुख्य शाखाओं को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो जो प्रश्न आया था वो इसी में से ही प्रश्न बना था, जो कि आप लोग जिसको सिंपल है प्रश्न वहीं से आया था, तो ये मैं कह रहा हूं, इसलिए इन चीजों को आप देख लीजिए। हम यहाँ भूगोल की जो शाखाएं हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन आधार क्या दिया है यहाँ? विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर यहाँ भूगोल की शाखाओं को बताया गया है। किसके आधार पर? विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर यहाँ भूगोल की शाखाएं बताई गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ अपनी सीधी वैसे ही बात करें, भूगोल के मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन यहाँ अगर कोई पूछ ले किस आधार पे है, तो यहाँ बताया गया विषय वस्तुगत, जो विषय इनमें है उसी के आधार पर उस विषय को नाम दिया गया है, उस शाखा को नाम दिया गया है। तो यहाँ भूगोल की शाखाओं में पहला है जैसे भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में क्या क्या, कौन कौन सा विज्ञान है? भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यही है वो मृदा भूगोल जो पूछ प्रश्न में पूछा गया था, तो ये किसमें आता है? भौतिक भूगोल में आता है। भौतिक भूगोल की शाखा है कि नहीं है, ये आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है कि कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है या नहीं है, कौन सी मानव भूगोल की शाखा है या नहीं है, कौन सी जीव भूगोल की शाखा है या नहीं है। इन तथ्यों को आपको बिल्कुल तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न जो बना हुआ था, जो 51 नंबर का जो प्रश्न आया था लेबर सेशन 2022 में जो एग्जाम हुई थी, वो यहीं से ही आया था, यहीं से प्रश्न उठा था। इसलिए बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि यहाँ आपको बिल्कुल ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल ध्यान देना है, तो सरल लगता है, वही टाइट हो जाता है। तो यहाँ भौतिक भूगोल है, मुख्य शाखा है भूगोल की, लेकिन इसमें कौन कौन से विज्ञान शामिल है, इसकी भौतिक भूगोल की कौन कौन सी है, इस भौतिक भूगोल में कौन कौन सी विज्ञान आती है, किसी या भौतिक भूगोल की शाखाओं के रूप में इसको आप देखते हैं, तो भू आकृतिक विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, यानी जलवायु मौसम के बारे में जिसमें बताया जाता है, वायुमंडल के बारे में जिसमें चर्चा की जाती है। भू आकृतिक विज्ञान में भू आकृतियां कैसे बनी, कब बनी, कालक्रमिक रूप से इन पे विश्लेषण होता है, सब बातें इसमें होती है। इसके बाद में जल विज्ञान यानी समुद्र विज्ञान के बारे में चर्चा होती है, जल मंडल के बारे में इस पे चर्चा होती है, कितना खारा है, कितना विस्तार है, कितना नहीं है, वो सारी चीजें इसमें, जल से संबंधित पूरी चीजें इसमें आती है। मृदा भूगोल है, तो मृदा भूगोल में मृदा के बारे में टोटल जानकारी इसमें निहित होती है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी कौन सी विज्ञान होगी, भौतिक भूगोल की है, ये सारी की सारी जो भौतिक भूगोल से इनका सीधा संबंध होता है, ये ध्यान रखिएगा, इन विज्ञानों का भौतिक भूगोल से सीधा संबंध है या भौतिक भूगोल में इनका अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव भूगोल। मानव भूगोल में कौन कौन सी है? सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल है, जनसंख्या के बारे में, अधिवासों के बारे में चर्चा की जाती है, इस पे उनके बारे में बताया जाता है, यहाँ सामाजिक संरचना के बारे में बताया जाता है, संस्कृतियों के बारे में बताया जाता है, सब किसके हैं? मानव भूगोल की शाखाएं हैं। आर्थिक भूगोल भी इसमें आता है और राजनीतिक भूगोल भी इसमें आता है। तो इसमें से मान लीजिए कि ये चार ऑप्शन यहाँ मिले हैं, और इसमें से देखिए निम्न में से मानव भूगोल की शाखा नहीं है, और इसमें से तीन तो दे दे और एक इसमें से उठा करके यहाँ दे दे, तो आपको इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी है या नहीं है, ऐसे प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। सी, जीव भूगोल। जीव भूगोल में कुछ जीव भूगोल तो है, जीवों के बारे में, वनस्पति हो चाहे ऐसे जीव हो, उन सबके बारे में इसमें अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल विशेषकर वनस्पतियों को लेकर के, पारिस्थितिक विज्ञान में पारिस्थिति को, आवासों को लेकर के बात होती है, और पर्यावरण भूगोल में सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पर्यावरण हास कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ पर्यावरण में संतुलन नहीं है, कैसे पर्यावरण बिगड़ा, इन सभी चीजों को लेकर के इसमें चर्चा होती है। अब देख लेते हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर जो भूगोल की जो शाखाएं बताई गई हैं, किसके आधार पर, ये आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर शाखाएं थी, कौन सी प्रादेशिक उपागम के आधार पर शाखाएं थी, इस प्रकार का प्रश्न भी यहाँ बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ प्रादेशिक उपागम पर आधारित जो भूगोल की शाखाएं उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया है,
इसमें कहा पहला प्रादेशिक ऑब्लिक क्षेत्रीय अध्ययन, ये किसमें आता है, भूगोल में आता है, लेकिन प्रादेशिक उपागम के आधार पर यहाँ इसका विभाजन किया गया है, तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन आता है, वो इसकी शाखा है, किसकी, भूगोल की शाखा है, लेकिन कुछ किस उपागम के आधार पर है, तो वो है प्रादेशिक उपागम के आधार पर। दूसरी है प्रादेशिक विकास की बात जब करोगे तो ये आपका दूसरा, प्रादेशिक विश्लेषण की बात करोगे, सिंथेसिस की बात करोगे, तो यहाँ बहुत सारे मेथड काम में आते हैं, ठीक है। प्रादेशिक योजना, ये प्रादेशिक योजना की जब बात करोगे तो एक शाखा के रूप में है। अब प्रादेशिक योजना कैसे, तो देश में पूरे देश के लिए या ग्रामीण योजना के लिए या शहरी योजना, तो ये सारे के सारे जो विषय हैं ये इसमें भूगोल में, अगर भूगोल को लेकर के जब हम शाखाओं की बात करें तो ये भूगोल की शाखा है, लेकिन किस आधार पर है, ये प्रादेशिक उपागम के आधार पर है। यहाँ बात आती है कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन की बात आती है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, यानी कि स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, यानी कि मोटा या बड़े क्षेत्र को लेकर के हम इस पे चर्चा करेंगे, या फिर मध्य पर उसमें प्रदेशों को हम विभाजन करेंगे कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा प्रदेश हम बताएंगे, और उसके बाद में हम सभी भौगोलिक तथ्यों का उसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये इसके विभाग है, किसके, प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन कैसे करोगे, आप पूरे प्रदेश को लेकर के उस प्रदेश को बांट करके फिर उसमें अध्ययन करोगे, तो इसमें आएगा स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। इस पर तो ये आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये जो भूगोल की शाखाएं यहाँ बताई गई हैं वो बताई गई हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर, क्योंकि इस प्रादेशिक उपागम के आधार पर ही भूगोल की शाखाएं अगर आपसे पूछता है तो आपको इन सभी शाखाओं पर ध्यान रखना होगा। अब मुख्य रूप से दो ऐसे शब्दावली है उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। इस पे या तो पूरा नाम पूछ लिया जा सकता है, या इसके काम पूछ लिए जा सकते हैं, या किससे संबंधित है वो चीजें इसमें पूछ ली जा सकती है, क्योंकि इस टॉपिक में ये चीजें, ये बातें इसमें हैं, उठा लिया जा सकता है। और उस पे वो जो मुख्य सी बातें वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि भू सूचना विज्ञान तकनीक, तो भू सूचना विज्ञान तकनीक निम्न में से कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो यहाँ जो आपके जो इसमें दिया गया है उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि भू सूचना विज्ञान तकनीक, यानी कि भूमि की या पृथ्वी की या अर्थ की सूचना वाली विज्ञान कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिसके बारे में हम भूमि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या ग्लोब की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या पृथ्वी की सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको लेकर के यहाँ बातचीत है। दूर संवेदन तकनीक क्या है, दूर संवेदन तकनीक क्या है, ये भू सूचना विज्ञान तकनीक है, कौन सी है दूर संवेदन तकनीक, इस पे कहीं भी प्रश्न कैसे भी सेट बैठा दिया जा सकता है, कई बार आप इस तीन चीजों को देखते नहीं हो। दूसरा है भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, इसकी आप लोग खूब बात करते हो। एक इसकी बात करते हो वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS जो आपके मोबाइल में रहता है, आप लोकेशन के बारे में पता करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, दूसरा कहाँ है, इस प्रकार काफी एप्स आते हैं, तो ये सारा का सारा सैटेलाइट और कंप्यूटर ग्रस्त सिस्टम होता है, और उसी से ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, और इन्हीं तीनों माध्यम से हम कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब की जो सूचनाएं हैं इनकी परिस्थितियों के बारे में हम पता कर लेते हैं, आकृतियों के बारे में पता कर लेते हैं, वितरण के बारे में पता कर लेते हैं, लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं, तो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें देखो भू सूचना विज्ञान तकनीक कौन कौन सी है, दूर संवेदन तकनीक, ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र, और है वैश्विक स्थितीय तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको आप बोलते हो GIS, वैश्विक स्थितीय तंत्र जिसको बोलते हो GPS। अब यहाँ प्रश्न आता है कि निम्न से भू सूचना विज्ञान तकनीक नहीं है, तो ये तीन तो होंगी, तो तीन होंगी, इसके अलावा कोई बात इसमें दी जाए तो वो नहीं होगी, एक तो ये ध्यान रखना है। एक ये दे दिया जाए कि भू सूचना विज्ञान निम्न में से भू सूचना विज्ञान तकनीक है, तो तीन नहीं होंगी, एक होगी, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। अब थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं, देखिए GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है पूरा नाम, यह आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जिसको हिंदी में आप कहते हो भौगोलिक सूचना तंत्र, और शॉर्टकट है GIS, ये ध्यान रखिए। अब ये करता क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर स्थिति से, यानी पृथ्वी की सतह पर जिस प्रकार का वितरण है उससे संबंधित डेटा को कैप्चर करता है,
और उसको संग्रहित करता है और उसको जांचने और प्रदर्शित करने का करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली है। वो टर्न एक सैटेलाइट सैटेलाइट इनको लेता है, बताता है, फिर कंप्यूटर तक आता है, डेटा रिजर्व होते हैं, उसको प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर प्रणाली है, ठीक है। दूसरा है जीपीएस। जीपीएस जो कि आपको पता है हिंदी में बोलते हैं वैश्विक स्थिति है तंत्र या प्रणाली बोला जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर पूछे जाए जीपीएस का पूरा नाम है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जीआईएस का पूरा नाम है, तो उससे संबंधित आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी बात छोटी नहीं है। जीपीएस की यहाँ वैश्विक स्थितीय तंत्र, यहाँ जीपीएस ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, और इसका शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा। इसका आप लोग जैसे जीपीएस पे बैठे बैठे आप काम करते हो, आपके मोबाइल में ये चीज मिलती है, और इसका इस्तेमाल लोकेशन पता करने में होता है। किसमें? लोकेशन पता करने में विशेषतः जीपीएस का उपयोग किया जाता है कि कौन किसकी स्थिति कहाँ है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के महत्व को लेकर के, हम चर्चा करेंगे और ऐसी कोई छोटी छोटी जो पॉइंट्स होंगे उसको लेकर के थोड़ा सा विस्तार से हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। इसके बाद में ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसके बाद में अपना ये पूरा का पूरा एक टॉपिक समाप्त होगा। और ये जो टॉपिक है आपको अभी जो भारत का भूगोल है आपके और ये जो भौतिक भूगोल है, दोनों ही सीकर क्लासेस ऐप के ऊपर आपको अब लगातार मिलते रहेंगे, और साथ साथ में वहाँ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और साथ साथ में आपको इनकी पीडीएफ भी वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा उस सीकर क्लासेज जो सीकर क्लासेज ऐप जो है उसको आप डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन फ्री है उसका और बहुत ही कम उसकी कीमत रखी गई है ताकि सभी बच्चों को उससे फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।